तो आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे पियानो को। जिस जिसको पियानो बजाना नहीं आता वो ऐसे होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 2 और यहाँ पे 3, ओके यहाँ पे आएगा 3 2 2, ये वाला मिडल है, ठीक है, ये वाला 2 वाला मिडल है, ठीक है। इस सॉन्ग को यूज कर देता हूँ, ओके। आप देख सकते हैं अभी आपको 3 फिंगर्स होना चाहिए। हम बस आपको मैं आपको बस बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड आपका जो फिंगर होना चाहिए पहले आपको ऐसे पकड़ना होगा, सी जैसे सी होता है ऐसे, ठीक है। एंड ये जो सी होता है आपको इस 2 वाले में मिला है, इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे, ये जो 2 फिंगर्स, ठीक है। आपको पता चलने के लिए मैं एक लेके आता हूँ, सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ा आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, लेकिन ये होगा सी डी ई, ठीक है। सी डी ई ऐसा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको बस सिखाने के लिए किया था ये होगा सी डी ई, ठीक है। अपने कपड़े से करना पड़ेगा भाई, भाई अभी मैं हाउ टू रीड द क्या बोलते हैं हाउ टू रीड ये होता है क्या बोलते हैं हाउ टू रीड द नोट्स, ठीक है। अभी मैं नोट्स रीड करता हूँ, बाद में आपसे मिलता हूँ। मैं कभी भी रेडी जो बता ही नहीं होता कि मुझे क्या क्या रेडी करना है, सॉरी गाइस, इसलिए थोड़ा मैं अभी नोट्स बना के लेके आता हूँ आपका। नहीं, मेरे पास एक प्रिंट आउट है, मैं उस लेके आता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वाला नोट है ये होगा, ये जो नोट है ये है सी डी ई, तो डी होना है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको हैंड मूवमेंट्स बता देता हूँ, मैं थोड़ा ये ज़्यादा अभी मैं आपका हैंड मूवमेंट्स बताता हूँ, ठीक है। ये होगा थंब स्टेप, कभी भी फर्स्ट होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टिन्नी है ना, टिन्नी, तो आपको इस टिन्नी को आपको यूज़ नहीं करना, आपको करना पड़ेगा इसे, ये जो है ना जो भी है आपको इसे प्रैक्टिस तो जरूर करना पड़ेगा। एंड ये जो है इस नोट्स को आप देख सकते हैं, ये जो नोट्स है अभी ये होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा सी वाला, सी कहाँ होता है सी, अभी आपको सी का नोट आप ये आपको बताना है तो मैं एक बुक लेके आता हूँ, उसमें आपको समझ जाता हूँ। गाइस मैं अभी एक बुक लेके आ चुका हूँ, एंड आपको एक अलग सा बुक पर आपको अलग सा बुक लेना है कुछ ऐसे, मैं ये मेरा यूकेजी का है, अभी मैं आपको इस वाले में समझाता हूँ, इस वाले पेज में, ठीक है। ये जो होता है अब लो एक मिनट भाई, पॉपर सॉरी गाइस, क्या हो गया ना मुझे, तब मैंने पहले से देखा था ना, तब ये था पता नहीं कभी नहीं था। अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। सी का नोट होता है कुछ इस तरह, देखिए ये होता है सी नोट है ये, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, ये होता है सी नोट, ठीक है। अभी ये बड़ा वाला सी, ठीक है, ये बड़ा वाला सी होता है, वो मैं आपको वो भी समझाता हूँ,
नहीं मैं तो भूल गई, ये नहीं है, ये नहीं है गाइस, ये नहीं है, ठीक है, ये होता है सी नोट, ठीक है, ये होता है सी नोट एंड एंड ये होता है डी नोट, ठीक है, थोड़ा आगे लगा, ये होता है डी नोट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सी जो होता है ये थोड़ा ये थ्री लाइन होता है, ये लाइन क्रॉस करता है, ये जो है डी वाला लाइन क्रॉस करता है, ठीक है। अभी इसे मैं का ये जो है ना मतलब देख सकते हैं, अभी मैं ई वाला नोट बताऊँ आपको, ई वाला नोट होता है कुछ ऐसे, ठीक है, ये दो ये रेड लाइन का ऊँची होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब आप देखिए ये होगा सी डी ई, ठीक है, एंड अभी ये जो है ऐसे ये वाला सीन का मैं आपका मतलब समझता हूँ, इतना ही नहीं, ऐसा वाला होता है ना, तो ये होता है लेफ्ट हैंड, ऐसा आएगा तो लेफ्ट हैंड, ठीक है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो राइट हैंड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये होता, अभी तो आपको इतना पता चल गया होगा, अभी हम हैंड मूवमेंट्स का बात कर रहे थे ना, तो हैंड मूवमेंट्स में बात में आते हैं, हैंड मूवमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। अगर आपको ये वाला पियानो चाहिए तो आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली, इस ये जो पियानो है ना मेरा SS78 का है, तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो गाइस अभी हम क्या बात कर रहे थे, सॉरी थोड़ा ये हो गया था, एंड अभी ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, नहीं नहीं हाँ, अब आप देख सकते हैं ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये वाला आपका जो सी स्क्रीन दिख रहा है, मैं जब सी दबाऊंगा तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब मैं डी दबाऊंगा तो ऊपर जाएगा, ई दबाऊंगा तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ देखिए वो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये होगा आपको, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये रियल नोट्स है, ठीक है, ये तो आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया था, उसके अंदर नोट्स इस नोट्स के अंदर था, सॉरी थोड़ा काफ दिया, सॉरी। तो अभी ये जो है ये सी नोट है, ठीक है, अभी हम बात करते हैं डी नोट का, डी नोट आता है कुछ यहाँ पे, ठीक है, डी नोट आता है यहाँ पे, ठीक है, क्या मैं और सुन करूँ, लो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये होता है सी डी ई, ई नोट होता है कुछ इस तरह, ठीक है, ई नोट होता है कुछ इस तरह, तो अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा चाहिए, हाँ ये जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, सी डी ई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी सी डी ई, ठीक है, सी सी डी ई सी डी ई, ठीक है, आपको ऐसा होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका इम्प्रूव होगा। अब हम आते हैं पियानो में, अभी पियानो में ही बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं, अभी आपको विद सॉन्ग परफॉर्म करना है तो आपको ये वाला बटन जो दिख रहा है स्टार्ट एंड स्टॉप दिखाता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है स्टार्ट एंड स्टॉप में, जब आप इसे दबाओगे तो ये सॉन्ग स्टार्ट होगा, ठीक है,
फिर सॉन्ग सॉन्ग स्टार्ट होगा तो आपका यहाँ आपको दिखाने लगेगा। चाहिए अभी आपको यहाँ जो दिखाना है लगेगा ना, मैं आपको यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिखा रहा है। मैं अभी यहाँ से थोड़ा सरकाता हूँ तो आपको 07 में जिंगल बजाना है, तो मैं 07 दबाता हूँ। देखिए जब मैं मैनुअल ऑन एंड ऑफ करता हूँ, सिर्फ ऐसा ही आता है, जब मैं इसे ऑन करता हूँ, देखिए मैंने लो ऑन करता हूँ ऐसे आता है सिर्फ, ठीक है। जब अब आता है तो लिरिक्स के साथ आता है विथ साउंड, ओके। अभी मैं इसे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अभी आपको मेन्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ देखिए, बहुत मतलब बहुत है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 10 है, 0.2 जॉय है, लिटल ये है, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, तो सबको तो पता है ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार चलाता हूँ मैं। ऐसा होता है, ये जो आपको मेन्यू दिख रहा होगा, ठीक है, आपको इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो। अभी मैंने तो ये भी बताया नहीं कि मैंने ये बताया नहीं कि ये कहाँ से ऑन तो कहाँ से होता है, वो तो बता दो भाई करके आप कमेंट में लिखोगे तो। ऐसा नहीं है, ये आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 1 to 10 तक, ठीक है। अभी मैं जब 07 एंड इसे ऑन करता हूँ तो ये आ जाता है, ठीक है। वो सब आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जब मैं 08 में डालता हूँ, आप देखिएगा जादू। अभी मैं आपको इसके अंदर बुलेट पिस्तौल का पिस्तौल बोलता हूँ, देखो राइफल का साउंड निकालता हूँ आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ये लगाना। अभी आप मैंने तो ये भी बनाया बताया नहीं कि ये जो देखिए ये आपके पास 5 नोट्स होंगे, ठीक है। 5 नोट्स में आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। किस फिंगर से आपको जलाना पड़ेगा, पर सबसे पहले 2 सी डी आपको प्रैक्टिस करना है। बाद में आता CDE, सिखा जाऊंगे मैं आपको सिखा दूंगा। सिर्फ आपको पहले सीडी सिर्फ आपको इतना ही सीखना है बस, ठीक है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, तो मिलते जल्दी नेक्स्ट।
वीडियो में। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। सॉन्ग सुनिए, बाय बाय।